गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले सेशन में यहाँ तक सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री से पहले तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। अब हिस्ट्री के बारे में स्टडी करने के लिए तो कोई भी काम करने के लिए कोई कुछ सोर्सेज चाहिए होता है। मैथ ही बनाते तो उसके लिए मेथड चाहिए होता है, फिर क्वेश्चन चाहिए होता है, देन हम सॉल्व कर पाते हैं ना क्वेश्चन। तो हिस्ट्री को पढ़ने के लिए सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री तो चाहिए होगा। वी लर्न अबाउट द इवेंट्स दैट ऑकर्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो थ्रू द एविडेंसेज विच आवर एंसेस्टर्स हैव लेफ्ट बिहाइंड। अब एंसेस्टर मीन्स क्या होता है? पूर्वज, मेरे जो मतलब हम लोग के माता पिता के माता पिता समझ सकते हैं, पूर्वज जो होते हैं वो। तो क्या थाउजेंड्स ऑफ ईयर कोई जो इवेंट हुआ था या कोई घटना घटी थी इसके बारे में जो कुछ भी हमको जो कुछ भी इविडेंस मतलब जो कुछ भी साक्ष्य सबूत छोड़ के गए हैं तो उसी के आधार पे हम लोग स्टडी करते हैं पास्ट के इवेंट को। तो यही हम लोग के हिस्ट्री का रिसोर्सेज हो गया। तो वही रिसोर्सेज को हिस्टोरियन सब संभाल के रखे हैं और फिर उससे रिलेटेड जो कुछ भी है वो और सर्च कर करके स्टडी करते हैं। जैसे डॉक्टर लोग क्या करते हैं, कोई अब न्यू बीमारी आया तो उसके बारे में साइन क्या करते हैं, स्टडी करते, फिर उनसे क्या कैसे बचा जाएगा वो सब करते। उसी तरह हिस्टोरियंस का क्या काम है, तो हिस्ट्री जो भी एविडेंस है एविडेंस के आधार पर हिस्ट्री के बारे में स्टडी करना और उसमें क्या हुआ नहीं हुआ। तो ये जैसे साइंटिस्ट लोग का लैब होता है उसी तरह हिस्टोरियन सब का आर्कोलॉजिस्ट होता है, मतलब म्यूजियम होता है तो म्यूजियम से रिलेटेड जो भी काम करता है तो एक आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ही रहता है जो इससे रिलेटेड काम को देखता है। अब देखिए अब ये सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक आर्कोलॉजिकल होता है एक लिटरेरी होता है। अब देखो अब देखिए आप लोग आर्कोलॉजिकल में इंस्क्रिप्शंस मॉन्यूमेंट्स क्वाइंस अदर ऑब्जेक्ट एंड आर्टिफैक्ट्स, मतलब क्या जो भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जैसे पहले जमाने में कैसा क्वाइन चलता था या फिर कैसा मॉन्यूमेंट कैसा स्टैच्यू हुआ करता था, कुछ कुछ स्टैच्यू पे दीवार उवाल वगैरह पे लिखा हुआ रहता था और फिर उसके बाद आर्टिफैक्ट्स जो कुछ भी बनाया हुआ था पिछले ज़माने के मतलब पिछले ज़माने के आदमी द्वारा, तो वो सब है। फिर उसके बाद लिटरेरी में आ जाता है रिलीजियस एंड सेकुलर टेक्स्ट, मतलब बहुत सारा बुक सब रिलीजियस बुक सब अवेलेबल रहता है ना, तो रिलीजियस बुक में क्या दिया गया क्या फैक्ट है, उस टाइम का जो स्टोरी लिखा गया था वो स्टोरी से क्या मिलता है। फिर उसके बाद इंडिजीनियस एंड फॉरेन सोर्सेज। अब देखिए अब कुछ कुछ है जो हमारे कंट्री के बारे में विदेश में भी तो लिखा हुआ होगा, तो हम लोग के इधर अगर पूर्वज ज़्यादा पढ़े लिखे ना होंगे तो फिर विदेश में ज़्यादा होगा तो विदेश का आदमी तो फिर हम लोग के बारे में भी तो लिखा होगा, तो ये सब जो फॉरेन सोर्सेज हो गया वो। फिर उसके बाद लिटरेरी टेक्स्ट कंपोज इन अननोन स्क्रिप्ट, अब जैसे हम लोग हिंदी का स्क्रिप्ट क्या होता है, हिंदी का स्क्रिप्ट देवनागरी है, फिर इंग्लिश का स्क्रिप्ट रोमन है, उसी तरह अब बहुत सारा स्क्रिप्ट ऐसा था जो अननोन मतलब हम लोग अभी भी नहीं जानते, ऐसा है बहुत सारा स्क्रिप्ट है जो हम लोग नहीं जानते। तो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जो भी होते हैं तो वो इसी सब के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री को टू पार्ट में डिवाइड किया गया, एक आर्कोलॉजिकल होता है एक लिटरेरी होता है, तो ये दोनों आप लोग समझ पाए होंगे। फिर उसके बाद आर्कोलॉजी क्या होता है, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज आर डिस्कवर्ड एंड स्टडीड अंडर ए सेपरेट ब्रांच और डिसिप्लिन ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च कॉल्ड आर्कोलॉजी, मतलब जो भी रिसर्च करते हैं हिस्टोरियन सब जो हिस्ट्री मेकर हैं वो जो रिसर्च करते हैं वो एक सीक्वेंस वे में करते हैं, कुछ रूल के अकॉर्डिंग करते हैं, तो उसको उसके स्टडी को आर्कोलॉजी बोला जाता है। इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द मटेरियल रिमेन्स ऑफ द पास्ट डिस्कवर्ड, जो भी पास्ट में डिस्कवर्ड हुआ था उसके बारे में एक साइंटिफिक वे में किया जाता है स्टडी।
आप लिटरेरी सोर्सेज इंक्लूड रिटेन फॉर्म, अब रिटेन फॉर्म में कुछ भी लिखे हुए फॉर्म में रहता है तो लिटरेरी आर इम्पोर्टेंट एज द रिकॉर्ड और द कल्चरल सोशल फिर उसके बाद पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेट्स ऑफ अफेयर ऑफ द पीरियड ड्यूरिंग विच दे आर कम्पोज. अब कोई भी राजा का कैसा क्या था, वहाँ का सोशल, वहाँ का कल्चर क्या था, फिर सामाजिक परिदृश्य क्या था, ये सब के बारे में जो लिटरेरी अवेलेबल रहता है वो कर दे. फिर उसके बाद डिफरेंट स्क्रिप्ट सच एज ब्रह्मी, कुछ स्क्रिप्ट का नाम दिया गया यहाँ पे तो वो आप लोग देखिएगा. देवनागरी भी लिखा हुआ है, फिर आर्मिक, रोमन, पिक्चोग्राफिक, ETC. अब जैसे देखिए रोमन और फिर देवनागरी तो अभी हम लोग यूज करते हैं और बहुत सारा यहाँ पे ऐसा स्क्रिप्ट है जिसके बारे में पहले हम लोग के बारे में नहीं पता था. अब तो ये सब क्या है, टेक्स्ट से रिलेटेड है. अभी आप पढ़े थे ना टेक्स्ट, लिटरेरी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में लिटरेरी पार्ट में टेक्स्ट था. तो टेक्स्ट कंपोज्ड जो भी स्क्रिप्ट में रहता है टेक्स्ट से रिलेटेड है, मतलब कौन से बुक में कैसे लिखा हुआ है तो उसी से रिलेटेड है. फिर उसके बाद देयर आर मेनी लिटरेरी टेक्स्ट दैट वेयर नोट रिटेन एंड यूज नो स्क्रिप्ट. उस टाइम में पहले तो ऐसा भी था ना, जो बहुत सारा चीज़ तो लिखा हुआ भी नहीं है, बट कोई कोई ताम पत्र पे कुछ कुछ लिखा हुआ है, तो उसी से आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिस्टोरियन सब उससे रिलेटेड अपना रिसर्च करते रहते हैं. लेट अस नाउ डिस्कस द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री इन ग्रेटर डिटेल. अब वो आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं. तो सबसे फर्स्ट आता है इंस्क्रिप्शन. ये क्या है, राइटिंग ऑन पिलर्स. अब पिलर समझ रहे हैं, बड़ा बड़ा उस टाइम में वॉल का बड़ा बड़ा बना हुआ रहता था, दीवार जिसको बोलते हैं, बड़ा बड़ा सा गोल गोल रॉक्स, केव वॉल्स, वॉल ऑफ फोर्ट्स, किला के दीवार पे. फिर उसके बाद क्ले टैबलेट्स, मेटल प्लेट्स, फिर हाउसेज घर पे, फिर टॉम्ब पे, इस सब पे जो लिखा हुआ रहता था ये सब आता है इंस्क्रिप्शंस के, इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड. फिर मॉन्यूमेंट के बाद आता है, मॉन्यूमेंट क्या आता है, तो मॉन्यूमेंट क्या है, ओल्ड बिल्डिंग्स सच एज फोर्ट्स, प्लेसेज, टेम्पल्स, मॉस्क्यू और वगैरह वगैरह. तो मॉन्यूमेंट है जो भी ओल्ड बिल्डिंग देखते हैं, राजा का किला वगैरह सब पे बहुत सारा चीज़ सब लिखा हुआ रहता है, तो उस सब के बारे में स्टडी किया जाता है. तो उसमें पहले अब बहुत सारे मंदिर में आप देखिएगा जो बहुत सारा चीज़ वॉल पे लिखा हुआ रहता है, जैसे अब बहुत सारे मॉन्यूमेंट सब घूमने जाएंगे तो वहाँ पे इसके बारे में, यहाँ पे देखिए एक मॉन्यूमेंट्स के बारे में दिया हुआ, मॉन्यूमेंट सच एज टेल्स अबाउट द कंडीशन दैट टाइम्स व्हेन दे आर बिल्ट. अब देखिए ये एग्जांपल, अब इसे आप समझ सकते हैं उस टाइम में किस टाइप का बिल्डिंग बनाया जाता था, क्या सब यूज किया जाता था. एक बिल्डिंग का ही एग्जाम्पल लेते तो उस टाइम में बिल्डिंग क्या क्या बनाया जाता था, क्या यूज किया जाता, उसको बनाने में क्या उसको बनाने में क्या क्या यूज होता था, इस सब के बारे में आप स्टडी इससे रिलेटेड मन में तो क्वेश्चन तो ज़रूर आता होगा जो ये किस चीज़ का बना होगा, कैसे बनाया होगा, तो आप समझ सकते. फिर उसके बाद जैसे ये सांची स्तूपा द यूनिवर्सिटी एट नालंदा, तो जाइएगा कभी नालंदा घूमने के लिए तो वहाँ पे देखिएगा नालंदा के बारे में दिया हुआ है. फिर उसके बाद टेम्पल एट महाबलीपुरम, महाबलीपुरम में एक टेम्पल है तो वहाँ पे भी जाइएगा तो देख लीजिएगा. एनिशियंट इंडियन मॉन्यूमेंट्स के अंतर्गत ये सब आता है. फिर उसके बाद द डिस्क्रिप्शन ऑफ बिल्डिंग इरेक्टेड फॉर रिलीजियस और सिविल पर्पसेज सच एज टेम्पल, स्तूप, प्लेस एंड प्राइवेट हाउसेज. फिर इसके बाद ये सब जो प्राइवेट हाउसेज भी कुछ रहता है और फिर कुछ बिल्डिंग रिलीजियस रिलेटेड रहता है, धर्म से, सारे धर्म, सारे का धर्म अलग अलग रिलेटेड रहता है, तो वो हम लोग के मंदिर में, अपने लोग के मंदिर में जाइएगा तो किस क्या मिलेगा, अपने लोग के मंदिर में जाइएगा तो भगवान से रिलेटेड वगैरह वगैरह सब मिलेगा. और फिर उसके बाद चर्च में जाइएगा तो फादर के बारे में मिलेगा, तो उस जो रिलीजियस पे जाइएगा उसमें उसी के बारे में लिखा हुआ रहता है. फिर उसके बाद मस्जिद में जाइएगा तो उसमें इस्लाम से रिलेटेड मिलेगा. फिर उसके बाद इसी से रिलेटेड, और फिर अब क्वाइंस का बात आता है, तो क्वाइंस
जानते हैं पहले ज़माना में एनिशियंट इंडिया में बहुत सारा वो एलिमेंट कंपाउंड पड़े होंगे, तो पहले ज़माना में दूसरे दूसरे एलिमेंट का यूज होता था, जैसे पहले चांदी का सिक्का सुनते होंगे, गोल्ड कॉइन सुनते होंगे, वो सब का यूज होता था। आजकल क्या चल रहा है, आजकल चल रहा है कॉइन आयरन का चल रहा है, लोहा का चल रहा है। इन एनिशियंट इंडिया द कॉइन्स वेयर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल सच एज ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज का भी बना था, और फिर लीड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, सारे का कॉइन बना हुआ। दीज कॉइन्स स्कॉलर्स गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द पीरियड्स। अब ये जैसे इससे जो मतलब रिसर्चर लोग हैं, ये कॉइन से उसके पीरियड के बारे में पता लगा लेते हैं, जो इस टाइम में कौन सा कॉइन का यूज किया जाता था, कौन से राजा के टाइम में कौन से कॉइन का यूज, उस सब से ये सब वो सब जो रिसर्चर है और रिसर्चर है आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के तो वो सब ये सब काम करते हैं। फिर उसके बाद अदर ऑब्जेक्ट एंड आर्टिफैक्ट्स। अब अदर ऑब्जेक्ट में क्या क्या आता है, अदर आर्कोलॉजिकल सोर्सेज इंक्लूड न्यूमेरस ऑब्जेक्ट एंड आर्टिफैक्ट्स फाउंड ड्यूरिंग एक्सप्रेशन सच एज टूल्स, पीसेज ऑफ पॉटरी, स्कल्पचर, पेंटिंग्स, ऑर्नामेंट इटीसी। अब देखिए इसमें आ जाता है पेंटिंग वगैरह सब, तो उस टाइम में किस टाइप का पेंटिंग यूज होता था, आज के ज़माना में किस टाइप का पेंटिंग यूज होता है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑन द पीपल हु क्रिएटेड देम, द टाइम्स इन विच दे वेयर मेड, उस टाइम में कैसा बनाया जाता था। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट है लिटरेरी सोर्सेज। अब लिटरेरी सोर्सेज क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। लिटरेरी सोर्सेज इंक्लूड बोथ द रिटेन एंड नॉन रिटेन रिकॉर्ड। अब देखिए उस टाइम में जो रिटेन था, जो लिखित रूप में अवेलेबल था वो, और जो लिखित रूप में नहीं ओरल रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट है उसको। अब देखिए मोस्ट ऑफ द लिटरेरी सोर्सेज आर हैंड रिटेन। अब जो भी हैंड रिटेन लिटरेरी सोर्सेज होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है मैनुस्क्रिप्ट्स। मैनुस्क्रिप्ट्स कंटेन इनवैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट आवर पास्ट एंड टेल अस अबाउट द सोशल कस्टम, इंस्ट्रक्शन, क्लासेज, प्रोफेशन, रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, सो ऑन। तो इसके बाद सम ऑफ देम डिस्क्राइब इकोनॉमिक, साइंटिफिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। अब उस टाइम में मैनुस्क्रिप्ट्स में जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग का कैसा कल्चरल डेवलपमेंट हुआ, सोशल डेवलपमेंट हुआ, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हुआ। अब जैसे सोच सकते हैं जो पहले किस चीज़ का कॉइन चलता था, गोल्ड कॉइन चलता था, फिर सिल्वर कॉइन चला, फिर ब्रॉन्ज कॉइन चला, फिर कॉपर कॉइन चला, फिर अब आयरन कॉइन चला। तो अभी इस सबसे आप लोग समझ सकते हैं। लिटरेरी सोर्सेज कैन बी डिफरेंट टाइप, ये लिटरेरी सोर्सेज का बहुत सारा टाइप है। अब रिलीजन से रिलेटेड जो होगा वो रिलीजियस सोर्सेज में आएगा। लिटरेरी टेक्स्ट ऑन रिलीजियस सब्जेक्ट और कॉल्ड रिलीजियस लिटरेचर। अब धर्म से रिलेटेड जो भी रहेगा, ठीक है, धर्म से रिलेटेड जो रहेगा तो उसको कहा जाता है रिलीजियस लिटरेचर। फिर उसके बाद द वेदास, द रामायण, ये अपने लोग का होली बुक है, वेद, रामायण, महाभारत, द गीता एंड द पुराण्स एंड जताका टेल्स आर द इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ एनिशियंट इंडियन हिस्ट्री। अब ये हमारे कहानी, ये सब जितना भी हम लोग का धर्म से रिलेटेड है रिलीजियस मैनुस्क्रिप्ट जो है, तो वो सब बताता है उस टाइम में भगवद गीता में कैसे हुआ, रामायण में कैसे हुआ, महाभारत में कैसे हुआ, पुराण में। तो उस टाइम में किस टाइप का ताना बाना था, सामाजिक ताना बाना किस टाइप का था, किस टाइप में आदमी रहते थे, तो ये सब के बारे में फैक्ट बताता है। लिटरेचर दैट हैज़ नो कनेक्शन विथ रिलीजियस इज कॉल्ड सेकुलर लिटरेचर। अब देखिए जो भी लिटरेचर का कोई भी धर्म से नहीं होगा रिलेशन वो सेकुलर में आएगा। और जानते हैं हम लोग का कंट्री है, आवर कंट्री इज ए सेकुलर कंट्री, बहुत सारे धर्म के यहाँ पे आदमी रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में सब भाई भाई बोलते हैं, तो सारे धर्म के लोग रहते हैं। तो वो जो भी मैनुस्क्रिप्ट कोई भी रिलीजियस से रिलेटेड नहीं रहता है तो उसको क्या बोला जाता है, सेकुलर लिटरेचर। इट इंक्लूड्स पोएट्री, ड्रामा, प्लेज, ट्रेवलॉग्स और अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स। अब फॉरेन ट्रेवलर्स क्या, फॉरेन ट्रेवलर्स कोई भी घूमने के लिए आया, तो अब ये सुने होंगे जो वास्को डी गामा इंडिया आया था
तो उसको सर्च किया तो वो 1498 में इंडिया को सर्च किया। तो ये वास्को डी गामा कौन था? फॉरेन ट्रेवलर्स था। तो बहुत सारे आदमी का अलग अलग चॉइसेस रहता है, हमको ये करना अपने लाइफ में, हमको ये करना, तो उनका चॉइस था जो हमको घूमना है, तो वो ऐसे ही करते हैं। तो ये हुआ फॉरेन ट्रेवलर्स। फॉरेन ट्रेवलर्स फिर उसके बाद ये जितना भी है पोट्री ड्रामा एंड टेक्स्ट ऑन साइंस ग्रामर एंड पॉलिटिक्स, फिर उसके बाद द अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्या, ये चाणक्य का आप लोग नाम जरूर सुने होंगे। तो ये अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्या ऑन द थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा, जैसे स्कूल में एडमिनिस्ट्रेशन होता है, मैनेजमेंट होता है, उसी तरह उस टाइम के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कौटिल्या के बुक में अवेलेबल है। फिर उसके बाद बाणभट्ट सब ये सब राइटर थे, ये सब लिखे हुए हैं जो कैसा क्या होना चाहिए, तो उस टाइम से ये सब फैक्ट है, इस सब से पता चलता है। अब फिर इंडिजीनियस एंड फॉरेन सोर्सेज के बारे में जानते हैं, इंडिजीनियस फॉरेन सोर्सेज। अब हम लोग के देश के बारे में, विदेश में जो कुछ भी लिखा हुआ, विदेश में जो कुछ भी लिखा हुआ, तो ये सब क्या हो, फॉरेन सोर्सेज में आएगा। एज वी नो मेनी फॉरेन विजिटर्स केम टू इंडिया एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। अब बहुत सारे विजिटर्स, विदेश के विजिटर्स, जैसे वास्को डी गामा हुआ, कोलंबस हुआ, ऐसे ऐसे बहुत सारे विजिटर्स आए हुए जो इंडिया आए थे, और इंडिया आने के बाद, और फिर इंडिया के बारे में जो, अगर कोई भी इंडिया आएगा घूमने के लिए तो वो इंडिया के बारे में तो ज़रूर लिखेगा। हिस्टोरियन सब का तो काम ही यही रहता था, जाए के जहाँ जहाँ गए अपना उसके बारे में डिटेल में लिखे। ट्रेवलर्स लोग भी यही काम, कोई भी ट्रेवलर्स लोग आते तो देखिएगा, अभी भी कोई भी कहीं पर घूमने जाता है तो वहाँ के याद के लिए तो कैमरा ज़रूर रखता है, और फिर डायरी में ज़रूर मेंटेन करता है जो हमको क्या करना, हम यहाँ पे क्या घूमें, क्या नहीं घूमें, किसके बारे में क्या जानकारी हुआ। तो यही सब उन लोग का था, तो वो ज़रूर आए होंगे, तो ज़रूर कुछ ना कुछ हमारे कंट्री में, एक कंट्री के बारे में लिखे होंगे। तो ये सब किस सोर्सेज के अंतर्गत आएगा, तो इंडिजीनियस एंड फॉरेन सोर्सेज के अंतर्गत आएगा। दे क्लोजली ऑब्जर्व द इंडियन वे ऑफ लिविंग ट्रेडिशन प्रैक्टिसेज एंड पीपल एंड रिकॉर्डेड देयर एक्सपीरियंसेज इन द फॉर्म ऑफ ट्रेवल्स मेमोरीज एंड अकाउंट्स ऑफ स्पेशल मेंशन कैन बी मेड बाय द इंडिया बाय मैगस्थनीज। अब ये मैगस्थनीज हैं तो जो इंडिया के बारे में स्पेशल कंटेंट एक बुक ही लिखे थे, तो जो भी है। फिर उसके बाद एक हुआ जे इंडिया बाय, वो कौन थे मैगस्थनीज, तो हुआ जे ग्रीक एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में वो रहते थे, तब बहुत टाइम यहाँ पे अगर वो स्पेंड किए तो इंडिया के बारे में वो कुछ ज़्यादा ही लिखे होंगे। मौर्य कैपिटल सिटी ऑफ पाटलिपुत्र, ये पाटलिपुत्र जो पटना का पुराना नाम है, और ये क्या मौर्य वंश का कैपिटल हुआ करता था एट देयर टाइम। फिर उसके बाद मौर्य का कैपिटल हुआ करता था एंड सोसाइटी इन दैट टाइम। फिर उसके बाद बहुत सारा ऐसे ही, तो आप लोग ये इंडिजीनियस एंड फॉरेन सोर्सेज के बारे में जान गए। फिर अब देखिए ब्रह्म, ये मैटर ऑफ फैक्ट में दिया हुआ है बर्मी स्क्रिप्ट के बारे में। ब्रह्मी द स्क्रिप्ट ऑफ द अशोका एडिक्ट्स वाच डिस्पेड इन 1837 बाई जेम्स प्रिंसेप। अब ये जो ब्रह्मी लिपि है वो अशोका के साथ, अशोका इम्पेरर अशोका जो थे उनके टाइम में ये चलता था। तो और फिर उसके बाद एन आर्कोलॉजिस्ट फिर एंड ऑफिशियल ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जब वो 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में एस्टेब्लिशमेंट हुआ, तो उस टाइम में जो स्क्रिप्ट चलता था वो ब्रह्मी स्क्रिप्ट था। अब लिटरेरी सोर्सेज विथ अननोन स्क्रिप्ट, अब ये एक आता है लिटरेरी सोर्सेज विथ अननोन स्क्रिप्ट, मतलब अननोन स्क्रिप्ट का मतलब क्या, जो स्क्रिप्ट के बारे में कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है या हम लोग नहीं जानते हैं। अब उसके बारे में देखते, देयर आर सम एनिशियंट लिटरेरी सोर्सेज हुज स्क्रिप्ट हैज़ नॉट बीन डिसअपीयर्ड सो फार, जैसे द हड़प्पा स्क्रिप्ट। तो हड़प्पा का नाम जरूर सुना, अर्लियर इंडिया के बारे में है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ था, तो ये सब के बारे में, ये सब स्क्रिप्ट अननोन स्क्रिप्ट सब है, बहुत सारा सब अभी लिखा हुआ है, तो इसके बारे में कोई भी स्कॉलर सब अभी पता नहीं लगा पाए हैं जो वो क्या लिखा हुआ है। तो ये सब अननोन स्क्रिप्ट के अंतर्गत आता है, लिटरेरी सोर्सेज विथ अननोन स्क्रिप्ट। फिर उसके बाद द
पर दिस स्क्रिप्ट इज दैट वन लाइन इज अ रिटेन लेफ्ट टू राइट वाइल दैट ये देखिए कुछ अननोन स्क्रिप्ट वगैरह लिखा हुआ है, तो इसके बारे में तो अभी तक पता नहीं लग पाया कि यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है। ये बस समझ रहे हैं जो ये अननोन स्क्रिप्ट है, तो अननोन स्क्रिप्ट के बारे में इससे अब जब पता चलेगा तो ये सच है स्क्रिप्ट इज कॉल्ड इस ये अननोन जो भी अननोन स्क्रिप्ट है और ये रिटेन लेफ्ट टू राइट वाइल द नेक्स्ट लाइन इज रिटेन राइट टू लेफ्ट। अब देखिए कोई लेफ्ट से राइट लिखता है राइट से लेफ्ट लिखता है, तो ये है एक लाइन में लिखा हुआ लेफ्ट टू राइट, एक लाइन में लिखा हुआ राइट टू लेफ्ट। तो इस टाइप के स्क्रिप्ट को क्या बोला जाता है, तो बॉस्ट्रोफेडन। तो इस टाइप के स्क्रिप्ट को बोला जाता है बॉस्ट्रोफेडन। तो अब इससे रिलेटेड जो भी है तो आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। एक चैप्टर का ओवरव्यू दिया हुआ है, समरी दिया हुआ है, तो इसको एक बार कर लेते हैं। हिस्ट्री सिग्निफाइज पास्ट इवेंट दैट वी हैव बीन रिकॉर्डेड व्हाइल प्री हिस्ट्री इज अ पीरियड फॉर विच वी आर नो रिटेन रिकॉर्ड। तो प्री हिस्ट्री क्या होता है, प्री हिस्ट्री जिसका जो कोई भी रिटेन अवेलेबल नहीं है, तो जो भी लिखा हुआ नहीं है उससे पहले वाले हिस्ट्री को प्री हिस्ट्री बोला जाता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इवेंट इज नेसेसरी फॉर अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ पास्ट। तो कोई भी एक सिस्टमेटिक वे में, तो सिस्टमेटिक वे में पढ़ने पास्ट के स्टडी के लिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डरिंग बहुत ज़रूरी है। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैव प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन शेपिंग आवर हिस्ट्री। तो जो भी ज्योग्राफिकल फैक्टर है वो हिस्ट्री को शेप करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद लिटरेरी टेक्स्ट हैव सर्व एज ए सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में भी स्कर्ड और सेकुलर इन ए कंटेंट। जो भी लिटरेरी टेक्स्ट है तो वो सब हिस्ट्री का सोर्सेज है। लिटरेरी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री इंक्लूड टेक्स्ट कम्पोज इन द पास्ट। मतलब लिटरेरी सोर्सेज में क्या आता है, जो भी टेक्स्ट पास्ट में कंपोज किया गया मतलब लिखा गया था, जो भी पास्ट में लिखा गया था उसके बारे में लिखा हुआ स्क्रिप्ट और या फिर ऑरली कम्युनिकेटेड टेक्स्ट जो यूज हुआ था, ये सब लिटरेरी सोर्सेज के अंतर्गत आता है। वी गो टू लर्न अबाउट आवर पास्ट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज विच आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, लिटरेरी एंड आर्कोलॉजिकल। अब ये टू कैटेगरी में लिखा हुआ है, डिफरेंट सोर्सेज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक लिटरेरी एंड आर्कोलॉजिकल पढ़ चुके हैं। अब आर्कोलॉजिकल सोर्सेज हैव बीन अनअर्थेड थ्रू एक्सक्यूबेशन एट वेरियस हिस्टोरिकल साइट्स विच इंक्लूड मोन्यूमेंट्स क्वाइन इंस्क्रिप्शंस फिर स्कल्पचर्स पेंटिंग वीपन्स पोट्री ऑर्नामेंट्स एंड ऑल अदर कंसनट्रेट ऑब्जेक्ट और आर्टिफैक्ट्स एसोसिएटेड विद द पास्ट। अब ये पास्ट से रिलेटेड जो भी है, क्वाइन है, फिर उसके बाद मोन्यूमेंट है, वीपन है, पुराने ज़माने में कौन कौन से जब वार होता था उस टाइम में कौन कौन से वीपन्स का यूज होता था, और फिर ऑर्नामेंट क्या पहना जाता था, तो इस सब के बारे में है। अब ये फिर कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड है, अब इसी क्या मीनिंग होता है उसका वो देख लीजिएगा आप, और इस फिर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर है उसका PDF जाएगा ग्रुप में, वहाँ से आप लोग फेयर कर लीजिएगा और इस चैप्टर को फिर से एक बार खुद से पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। और हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर आप लोग पढ़िएगा तो मज़ा आएगा। और ठीक है, तो आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।